आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज ऐसे तीन तरीकों को आपको बताऊंगा जिससे आप है जे यीशु मसीह पर ध्यान लगाना सीख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों बहुत से नए विश्वासी भाई बहन का मानना होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान को केंद्रित करना चाहते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं, हमें है जे ध्यान उनकी ओर जा ही नहीं पाता है और इधर उधर ध्यान मेरा भटकने लगता है। तो प्रियो आज मैं ऐसे तीन तरीकों को आपको बताने वाला हूँ जिसे आप अपने जीवन में अगर इन तीन तरीकों को अपना लेंगे तो आप यीशु पर ध्यान लगाना सीख जाएंगे। आप जब भी अजय इन तीन तरीकों को अपनाएंगे तो आप ऑटोमेटिक है जे आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना शुरू हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह की ओर आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। तो प्रियो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें ताकि आज का जो महत्वपूर्ण जो विषय है इस विषय से आप आशीष को पा सके। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आज मैं वैसे तीन तरीके को आपको बताऊंगा जिसे आप तीन तरीकों को अगर आप अपना लेते हैं तो आपका ध्यान यीशु मसीह की ओर केंद्रित होना शुरू हो जाएगा और आप इन तीन तरीकों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान लगा सकते हैं। तो दोस्तों पहला जो तरीका है प्रार्थना करना। जी हाँ मेरे प्रियो, एक विश्वासी का जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका सबसे पहला प्रार्थना करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। जब आप प्रार्थना का जीवन जिएंगे तो आपका अंदर है जे बदलाव है जे होना शुरू हो जाएगा, आप अपने आप को बदलते हुए महसूस करने पाएंगे। जैसा कि इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, मत्ती 21:13 आयत में यीशु कहते हैं और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। प्रिय दोस्तों यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो प्रियो हमारा और आपका जो शरीर है वो परमेश्वर का घर है, प्रभु का मंदिर है। अगर उस मंदिर में आप प्रार्थना करते हैं, आप उस मंदिर से हमेशा प्रभु को भक्ति करते हैं, प्रभु को हवा बुलाते हैं और प्रभु से बातचीत करते हैं तो वो है जे आपका है जे प्रार्थना में मन अवश्य लगेगा। जैसा कि आगे को कहते हैं कि परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और दोस्तों अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो उसमें शैतान है जे आ करके आपको है जे वो प्रभु की ओर ध्यान कभी भी केंद्रित नहीं होने देगा, आपको ध्यान को हमेशा भटकाते रहेगा। क्योंकि वो डाकुओं का खो का मतलब होता है शैतान का अड्डा बन जाता है। अगर प्रभु से आप प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर परमेश्वर के सम्मुख आप बैठ के प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर आपको घर में है जो वास करते हैं, जो प्रभु का मंदिर है, जो परमेश्वर का घर है। दोस्तों दूसरा जो बात है, दूसरी जो तरीके हैं वो आराधना करना। दोस्तों जब आप आराधना करते हो, जब आप गीतों को गाते हो तो आप परमेश्वर की महिमा करते हो, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इंसान को इसलिए बनाया ताकि मनुष्य है जे परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की बड़ाई करे, परमेश्वर की प्रशंसा करे। जैसा कि दोस्तों भजन संहिता 34:1 आयत बताती है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेंगी। दोस्तों भजनकार दाऊद है जो लिखते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। दोस्तों हम आपको भी है जे हर समय परमेश्वर की स्तुति आराधना मुखों से होनी चाहिए, क्योंकि आगे को कहते हैं कि उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेंगी। तो दोस्तों एक विश्वासी को जीवन में हमेशा है जे परमेश्वर की स्तुति और आराधना होनी चाहिए, प्रभु की मुखों से बड़ाई और प्रशंसा होती रहनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे परमेश्वर के भक्त दाऊद है जे कहते हैं
कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, यानी परमेश्वर की प्रशंसा करूँगा, बड़ाई करूँगा और उनकी गुणगान करूँगा। उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी और हमेशा जो परमेश्वर की भजन और परमेश्वर की स्तुति उन अपने मुखों से हम लोगों को करनी चाहिए। तो ये दूसरा जो तरीका है आराधना करना। और तीसरा और अंतिम तरीका है प्रियो, परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना। जैसा कि दोस्तों, जब आप वचन आपके अंदर रहेगा, आप वचन से आप है जे प्रार्थना करेंगे और वचन से प्रभु की महिमा आप कर सकते हैं और वचन ही है आपको है जे आगे का मार्ग है जे दिखाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु के वचन अगर आपके पास है तो आपको प्रभु है जे अपने मार्गों पर नियमित अगुवाई करेंगे। जैसा कि रोमियो 10 के 17 आयत कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो दोस्तों, जब आप विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे, तो आप है जे प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाना अवश्य है जे आप सीख जाएंगे। और जो ही आप इन तीन तरीकों को आप अपनाना शुरू करेंगे ना दोस्तों, तो आपका ऑटोमेटिक है जे अपने आप को देखने पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह की ओर आपका ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने तीन तरीकों को आज बताया, पहला है प्रार्थना करना। दोस्तों, हर एक मसीही विश्वासी भाई बहन को लाइफ में, जीवन में प्रार्थना का जीवन होना अवश्य है। अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आप है जे एक सूखे हुए की तरह, सूखे हुए टहनी की तरह हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे बाइबल वचन स्पष्ट कहता है कि प्रभु का जो घर है वो प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए, प्रार्थना का घर होना चाहिए। अगर वो प्रार्थना का घर नहीं है तो डाकुओं का खोह बना हुआ रहेगा, उसमें हमेशा है जो शैतान अपने जो उक्तियों को डालता रहेगा, शैतान हमेशा है जो उसमें जो बुराई डालता रहेगा और परमेश्वर से हमेशा दूर करता रहेगा। और दूसरा जो मेरे प्रियो जो मैंने बताया वो आराधना करना। अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप परमेश्वर के और नज़दीक आते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आराधना से प्रसन्न होते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे हर एक दास है जो मेरे बेटे और बेटी मुझे से प्रार्थना करें, मुझसे आराधना करें, मेरे गीतों को गाए और मेरे गुणगान करें। और तीसरा मैंने जो बताया मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना, परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। क्योंकि दोस्तों, जब आप वचन को सुनते हैं और वचन पर विश्वास करते हैं तभी है जे आप प्रभु की ओर ध्यान आपका केंद्रित हो सकता है। जैसा कि दोस्तों, यूहन्ना 15 अध्याय के 7 आयत कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, आमीन। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे आज मैंने तीन है जे ऐसे तरीकों को बताया कि जो आप प्रभु के ध्यान में आप है जे लगाना सीख सकते हैं। जब भी आप ध्यान लगाएंगे इन तीन तरीकों के द्वारा, तब प्रभु में आप है जे ध्यान ऑटोमेटिक आपका लगता हुआ चला जाएगा और अपने आप को जीवन में आप बदलाव को देखने पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें प्रभु में बनने की ज़रूरत है और प्रभु में जब इन तरीकों को हम अपनाएंगे तभी हम उनमें बने रहेंगे और उनके जब वचन अपने अंदर लाएंगे तभी उनकी बातें हमारे अंदर है जे समझ में आएगा और हम उनकी बातों में चल पाएंगे। तो प्रभु ने कहा है कि जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मसीही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने लाइफ में, अपने जीवन में ये तीन तरीके को अवश्य अपनाएं। जब ये तीन तरीकों आप अपनाएंगे तो आप प्रभु में हमेशा ये ध्यान केंद्रित आपका होता जाएगा और प्रभु में आपको जब भी प्रार्थना के लिए जब भी आप ध्यान लगाएंगे तो आपको मन लगेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि छोटे वीडियो से आपको प्रभु ने आशीष दे दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।